हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे थे और इसमें करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 25 क्वेश्चन के आगे जरा फटाफट डिस्कस करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, इसको क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क है, आपको गेस करना है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आप देखिए फटाफट ऑप्शन में चले जाइए। ऑप्शन में देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन वेस्टर्न घाट या फिर कह लीजिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से लेकर के है। तो एक बात तो बहुत ही साफ है, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, बहुत टफ होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या कुछ है। देख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सारे यहाँ कट नहीं कर सकते हैं। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द सदर्न एंड इज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एलिफेंट इन साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया। वाइल्ड एलिफेंट से एक चीज आप यहां बता सकते हैं कि द स्टेट कुड बी कर्नाटका, कर्नाटका हो सकता है। आप देखेंगे यहां पर तो हमें कर्नाटका के नाम पे बांदीपुर मिल जाता है, नागर होल मिल जाता है, मुकुर्ती और मुडुमलाई, देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ये निकल करके आए। लास्टली मोयार रिवर ओरिजिनेटिंग इन द नीलगिरी माउंटेन रेंज नियर पाकरा मियंडरिंग थ्रू द रिजर्व। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो होती है वो बांदीपुर से रिलेटेड है, और अगेन ये रिवर जो है वो न्यूज करंट अफेयर्स में बनी हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आंसर इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर आगे आ जाए तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क से रिलेटेड चीजें हैं। प्लास्टिक पार्क को लेकर के ऑलरेडी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देख रखा था, मतलब कि एक क्वेश्चन देख रखा था। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, अभी तक हम लोगों ने जो प्लास्टिक से रिलेटेड देखा था वो हम लोगों ने देखा था एक तो जायर, मतलब कि हालांकि ये क्वेश्चन अभी आया नहीं, अभी आएगा आगे, ओशन माउंटेन वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करें, द स्कीम जो कि प्लास्टिक पार्क से रिलेटेड है, द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड बिल्डिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द प्लास्टिक प्रोडक्शन यूनिट फॉर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट टू एंश्योर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू इनोवेटिव मेथड। देखिए पढ़ के लगेगा आपको दिस इज वेरी ऑब्वियस टाइप की स्टेटमेंट है, और जब भी यूपीएससी के लिए आप लोगों को बता दिया जाएगा जितनी भी लॉन्ग स्टेटमेंट्स आती हैं वो करेक्ट ही होती हैं। तो ये जब शॉर्ट स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो ही वहां पर थोड़ी सी संशय रहता है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स करेक्ट होती है। तो यहां से स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बोलती है कि यहां पर 4 पार्क बनाए गए हैं, बिल्कुल बनाए गए हैं, AMOT अमॉट यहां बनाया गया है। अमॉट का मतलब असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और तमिलनाडु हो गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हो जाएगी, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें तो यहां पर देखो ये ल्यूकोडर्मा के बारे में बात की गई। ल्यूकोडर्मा का मतलब वही हाथ में जो व्हाइट पैचेस आ जाते हैं उसी से रिलेटेड है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटिलिगो, विटिलिगो होती है, डर्मेटोलॉजी सेक्शन में आती है, मेडिसिन जो लोग भी पढ़ रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोडर्मा, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है जहां पर मेलानिन जो होती है, मतलब हाथ पे जो कह लीजिए कि मेलानिन होती है वो वहां पर नहीं आती है, एंड दैट इज व्हाई वहां पर व्हाइट पैचेस सफेद दाग आ जाता है। एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी अटैक द हेल्दी सेल एंड टर्न स्टार्ट अफेक्टिंग द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये कभी स्प्रेड नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा अगर कॉन्टैक्ट में आता है तो स्प्रेड हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी स्प्रेड होने वाली बात नहीं होती है। सोशल स्टिग्मा लोगों के बीच में अटैच है, ऐसा कुछ भी लेकिन नहीं होता है। फिलहाल में हुआ क्या है कि डीआरडीओ ने एक डेवलप किया गया है ल्यूको स्किन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर ध्यान में ये रखना है कि डीआरडीओ ऑल दो ऐसा कुछ काम करता तो नहीं है, डिफेंस रिलेटेड ही वर्क करता है, बट स्टिल यहां पर ल्यूकोडर्मा से रिलेटेड ये काम किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा, एंड दिस कैन कंफ्यूज इन योर एग्जामिनेशन। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगी, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करें, कॉन्टिनेंटल एक्सिस हाइपोथेसिस। देखिए एक रिसेंट में एक हाइपोथेसिस निकल करके आई है, एंड दिस हाइपोथेसिस इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेकर के है। यहां पर यह बताया गया है कि देखिए जो कॉन्टिनेंट जितना ज्यादा ये स्प्रेड होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये इतना स्प्रेड है, सिमिलरली रशिया देखेंगे तो काफी ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसकी, तो इसमें क्या होती है कि कल्चरल सिमिलैरिटी पाई जाती है, और इस वजह से जो है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर फिलहाल के लिए अगर बात करेंगे तो किससे रिलेटेड है, तो ऐसे देखने को तो बोल देंगे दिस इज रिलेटेड विद द ए, बट इफ इन केस कल्चरल होमोजेनिटी नहीं देता है, कुछ और देता है, तो बेटर आंसर विल बी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गया, फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर इफ द क्वेश्चन आस्क इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली कल्चरल नहीं देगा, देयर विल बी
इकोनॉमिक वाला ही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सुपरबग। सुपरबग के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई मेडिसिन से रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाती है, मतलब मेडिसिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाती है, उसी को बोला जाता है सुपरबग। ऐसा होता इसलिए है, जैसे टीबी के केस में जनरली ज्यादा देखा गया है, जहां पर यह देखा गया है कि 6 मंथ का पूरा कोर्स होता है, जहां पर व्यक्ति 2-3 महीने या हफ्ते बाद जो होती है, जब खांसी आना बंद हो जाती है, तो जनरली दवा छोड़ देते हैं। इसके कारण से होता क्या है कि फिर उनकी जो टीबी है, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस ड्रग के लिए, और बाद में जब वो ड्रग दी जाती है तो वो सही नहीं हो पाते थे, और इस कारण से इनकी टीबी जो नॉर्मल टीबी थी वो बदल जाती है एमडीआर टीबी में, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो जाता है ये, और उसके कारण से थोड़ी सी हार्ड दवा देनी पड़ती है, लेकिन बाद में फिर एक्स्ट्रा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन जाता है अगर यहाँ पर भी व्यक्ति संभलता नहीं है तो। फिर अगर अपना डॉक्टरी दिखाना लोग शुरू कर देते हैं तो एक्स्ट्रा ड्रग रेसिस्टेंट हो जाती है, और अल्टीमेटली जो होती है टोटल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो जाती है अगर अभी भी डॉक्टरी दिखाना शुरू कर देते हैं तो। तो इस तरीके से टोटल ड्रग रेसिस्टेंट, दिस इज वेरी हार्ड टू क्योर, यहां पर व्यक्ति जनरली मौत ही हो जाती है। चलिए खैर, तो ये हो गई सुपरबग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। यहां पर अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो एन इनफॉर्मल टर्म फॉर द बैक्टीरियम दैट हैज बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट यूजुअली आर यूज्ड टू ट्रीट इट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, और यही चीज हम लोगों ने डिस्कस भी किया। स्टेटमेंट नंबर 2, दीज बैक्टीरिया डू नॉट अकर नेचुरली बट फाउंड इन एनिमल फूड ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट दे कैन स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल। यहां पर जरा ध्यान में रखने वाली बात है कि ये पीपल टू पीपल स्प्रेड करता है, बिल्कुल स्प्रेड करता है। बैक्टीरिया एक वेक्टर जेनेसिस कह लीजिए कि जो है डिसीजेस होते हैं, जहां पर भी क्वेश्चन में आपको प्रिलिम्स में डू नॉट या कह लीजिए कि ऑल या फिर नेवर इस तरीके का स्टेटमेंट रखे देखिए, तो आप वहां पर रुक करके 2 मिनट सोचिए क्या चीज है, करेक्ट है नहीं है, मतलब यहां पर आपको फोकस एरिया है, फोकस देना पड़ेगा, स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। फिलहाल ये कुछ स्टेटमेंट अभी करेक्ट है। द बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी एविडेंस टू ट्रांसमिट प्लांट टू एनिमल और प्लांट टू ह्यूमन। देखिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि रिसेंट में स्टडी निकली हुई और उस स्टडी से ये पता चला है कि जो सुपर बग है वो प्लांट टू एनिमल या फिर प्लांट टू ह्यूमन जा सकते हैं। इस वजह से ये they do have now evidence कि यहां पर इस तरीके से चीजें फैल रही हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो अगेन 1 and 2 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, और इस तरीके से यहां पर चीजें हो जाएंगी। फिलहाल के लिए अगर देखेंगे तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि 1 and 2 करेक्ट है, और यहां पर कोई भी चीज अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो ऑब्वियसली 3 स्टेटमेंट हो जाती। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में आ जाइए, एशियाटिक टाइगर को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बताया गया है कि अफ्रीकन टाइगर से ये छोटे होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रिसेंटली दाल खनिया फॉरेस्ट ऑफ गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, ये इसकी डेथ हो गई है, एंड दिस इज ड्यू टू द कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से काफी ज्यादा लोगों का ध्यान कोरोना के साइड में ही है, बट किसी का भी इस वायरस की ओर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 वायरसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ब्राजील का वायरस फैला हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया, फिर राजस्थान में एक बैक्टीरियम फैला हुआ था जिसके कारण से बहुत सारे बर्ड की डेथ हो गई थी, तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोरोना। नेक्स्ट है एशियाटिक लायंस आर वल्नरेबल इन IUCN, नो इट इज नॉट, दे आर नॉट वल्नरेबल, दे आर इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड है, फिलहाल इसकी लिस्ट आप लोग देखते रहिएगा इसकी, क्योंकि ये अपडेट होते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर केवल 1 and 2 करेक्ट होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, सारथी पोर्टल के बारे में। अगर आपने अपना लाइसेंस बनवाया होगा तो आप इसी पोर्टल के थ्रू जाकर के एप्लीकेशन फिल किए होंगे और फिर अल्टीमेटली जो है इसको लाइसेंस वाइसेंस बनवाए होंगे अपना। यहां पर देख लेते हैं कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला ऑप्शन है द पोर्टल इज डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, एकदम सही। द एप्लीकेशन इज जनरली यूज फॉर लाइसेंस रिलेटेड क्वेरी, बिल्कुल करेक्ट। रिसेंटली इट हैज लॉन्च यूनिवर्सल स्मार्ट कार्ड, जैसे क्या एक चिप वाली कार्ड बनाई गई है, इसलिए भी करेक्ट है, और सारी स्टेटमेंट यहां पर फिलहाल में करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए, क्यूरियोसिटी रोवर को लेकर के क्या फाइंडिंग्स आई हुई है। तो इट हैज डिटेक्टेड, देखिए यहां पर क्यूरियोसिटी रोवर ने रिसेंट में मीथेन गैस की बारे में बताया। मीथेन गैस देखिए दो तरीके से निकल सकता है, एक निकल सकता है माइक्रोब्स यहां पर प्रेजेंट हो उसके कारण से, या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर यहां पर कभी वाटर अगर अवेलेबल होगा और वो अगर रॉक से रिएक्शन किया होगा तो निकल के आया होगा मीथेन गैस। फिलहाल में देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है।
It has detected highest ever level of methane on the surface of Mars, which proved presence of water on the surface. बिल्कुल करेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर. It has also predicted presence of microbial life. बिल्कुल करेक्ट है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो दोनों स्टेटमेंट मिल गया तो obviously इसका स्टेटमेंट जो होती है वो डी हो जाएगा आंसर. फिलहाल में इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं 2012 में भेजा गया तो जनरली करेक्ट ही होती हैं, लेकिन एक बार इसको चेक जरूर कर लिया करिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए. देखिए यूपीएससी में आपको 100% श्योरिटी के साथ में केवल 45-40 क्वेश्चन ही मिलेंगे, बाकी के क्वेश्चन में यू हैव टू गेस वर्क, गेस वर्क करना ही पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए. किस स्टेट ने जो होते हैं वो ट्रीज को फॉल डाउन करने से मना कर दिया, बिहार ने किया हुआ है. एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी फिलहाल ये प्राइवेट लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी जितने भी फॉरेस्टेड इलाके हैं या फिर जितने सोशल फॉरेस्ट्री वाले या फिर जितने भी पब्लिक लैंड हैं वहां पर नहीं गिरा सकते. पब्लिक लैंड वाले अभी भी गिरा सकते हैं, अपना सागौन वगौन अगर लगा के रखे हैं तो ऑब्वियसली अपना गिरा सकते हैं पेड़. क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए. नेम द ट्राइब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन. कौन सी ट्राइब है यहाँ पर, देखिए बात किया गया इंडिजिनस ट्राइब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लेकर के एंड अगस्था मलाई. अगेन देखिए जब भी ट्राइब को गेस करने को आए पहले आप ऑप्शन में जाइए, चेक करिए. मालाबार केरल से रिलेटेड है, कानी ट्राइब ये आपका कर्नाटक से रिलेटेड है, कर्नाटक या तमिलनाडु से रिलेटेड है, उसी के आसपास पाए जाते हैं. कापू आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है जो कि अभी ओबीसी के लिए फाइट कर रहा है. अब आ जाइए यहाँ पर ट्राइब्स इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल अगस्था मलाई. हमें पता है अगस्था मलाई दिस इज अगेन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है, तो द ऑप्शन कुड बी या तो ए होगा या तो बी होगा, ऑब्वियसली सी तो नहीं ही होगा. कम्युनिटी हैज वन मेडिकल फिजिशियन नेम्ड पलाथी हु इज एक्सक्लूसिवली होल्डर ऑफ द नॉलेज. अगेन ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि करेंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली पता लग गया होगा, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज वो है फटीक को ये कम करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट खाते हैं और ये बेसिकली कानी ट्राइब के लोग करते हैं. तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट और यही वो मेडिसिनल प्लांट है जिसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कह लीजिए कि जो होता है एनर्जी बूस्टर, एक कह लीजिए कि ड्रग बना रही है और उसी को लेकर के ये सारा का सारा काम किया जा रहा है. कानी ट्राइब के लोग ये काम करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 36 गो एएमएल. एएमएल का मतलब क्या है, एएमएल का मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. यूएई ने फिलहाल एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है गो एएमएल एंड दिस इज रिलेटेड विद एनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो कि यूएई कंट्री ने किया हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए. गिव इट अप. गिव इट अप आपको पता है सबसे पहले किसने लॉन्च किया हुआ था, लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा किया गया था, लेकिन फिलहाल में किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा. और ये कहा गया है कि जो लोग भी मतलब अपना फेयर दे सकते हैं दे दीजिए, क्योंकि 53% ही केवल फेयर आपसे ली जाती है, 47% फेयर जो होती है वो सब्सिडाइज होती है. नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन अगेन प्लास्टिक से रिलेटेड है. रिसेंट में एक आइलैंड है जिसको आइलैंड ऑफ ट्रैश बोला गया है. दिस आइलैंड ऑफ ट्रैश इज बेसिकली जो हवाई और यूएस के बीच में है, कौन सी हो जाएगी, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन ऑब्वियसली. ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर 39 क्लीन अप ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी आस्क्ड यू ऑन एग्जामिनेशन. क्या चीज है यहाँ पर, द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय द एनजीओ नेम ओशियन. बिल्कुल करेक्ट है, ये एक एनपीओ है या एनजीओ कुछ भी बोल सकते हैं आप. इट इज बेसिकली टू क्लीन द प्लास्टिक वेस्ट विच इज एक्यूमुलेटेड ड्यू टू ओशियन जायर्स, जो कि पैसिफिक में फिलहाल के लिए लॉन्च किया गया. और ये वही है जो ऊपर हम लोगों ने बात किया हुआ है हवाई और यूएस, इसी से रिलेटेड ये और यहीं पर ये क्लीनिंग कर रहा है. तो स्टेटमेंट अगर बात करें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात किया जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी का ये इंटरेस्टेड ये कह लीजिए कि ये फेवरेबल एरिया होते हैं, इनका ये कह लीजिए कि जो होता है बड़ा पसंदीदा इलाका होता है. यहाँ पर देखेंगे इट इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च. बिल्कुल करेक्ट है और ये जो होती है भुवनेश्वर में है यानी कि उड़ीसा में पाया जाता है. बिल्कुल करेक्ट है एंड अगेन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब तो आप लोग समझ ही लेंगे. रिसेंटली इसने क्या है एक एंटीबॉडी बनाई है जो कि चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन को लेकर के है. बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना है. चिकनगुनिया तो क्या एक वायरल होती है, बिल्कुल वायरल होती है. ठीक है तो इस तरीके से ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर आ जाएगा इसका डी. नेक्स्ट इसमें से बोला है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देखिए ऑपरेशन सनराइज को लेकर के क्वेश्चन है. ऑपरेशन सनराइज एक है और दूसरा एक है प्रोजेक्ट सनराइज, दो अलग अलग ये जो है प्रोग्राम्स है, इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. प्रोजेक्ट सनराइज हालांकि थोड़ी सी पुरानी करंट अफेयर्स है, 2017 वगैरह दौरान की है, लेकिन ऑपरेशन सनराइज ये जो है इसका सेकंड वर्जन फिलहाल में हुआ है. इंडिया म्यांमार ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस है. ठीक है इसके अलावा जो होती है प्रमोशन ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर या फिर
इम्प्रूव द कम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ एच आई वी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बेसिकली ये जो ए और बी है, ये जो है दोनों के दोनों प्रोजेक्ट सनराइज के अंतर्गत आती है। और फिलहाल में ऑपरेशन सनराइज के बारे में बात करें तो ये केवल और केवल स्टेटमेंट नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज करा सकता है, ए और बी, दिस इज रिलेटेड विद प्रोजेक्ट सनराइज, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये चीज, कई बार मैं एम्फसाइज इसीलिए कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए फंसाया गया है। देखिए इसमें बोला गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मिजोरम के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। अगर आप देखेंगे तो देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगेन कौन सी बॉर्डर लंबी होगी, बिकॉज दिस इज अरुणाचल प्रदेश, यहां से बॉर्डर लग रही है, फिर नागालैंड के साथ लगती है, मणिपुर के साथ लगती है, फिर मिजोरम के साथ लगती है। अगर आप चेक करेंगे तो नागालैंड और मणिपुर ये दोनों तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बट अरुणाचल प्रदेश के साथ में जरूर कंफ्यूजन हो सकती है, और बहुत ही मार्जिनल है भी, मतलब नियर अबाउट 8-10 किलोमीटर का एक डिफरेंस आता है, और जो कि मिजोरम का नहीं अरुणाचल प्रदेश का ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए पहले स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, दिस इज नॉट मिजोरम, एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का ज्यादा है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट नंबर 1 अगर रॉन्ग हो जाएगा तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अराकान योमा माउंटेन जो होती है, दिस इज स्प्रेड ओनली इन म्यांमार, ठीक है कह सकते हैं। हालांकि जो होता है इसका कुछ पार्ट इंडिया में भी आता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड टू कनेक्ट मिजोरम विद म्यांमार, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर इसकी बी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए, देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट अगेन यहाँ पर है। तो देखिए सितवे पोर्ट ये जो है बांग्लादेश में है, नहीं ये कहाँ पर है, म्यांमार में है, दिस इज इन म्यांमार। तो बांग्लादेश में कौन सा है, बांग्लादेश में है चिटागोंग, ठीक है, चिटागोंग आर्मरी, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। चाबहार पोर्ट ये ईरान में है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान में, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा हम्बन टोटा भी याद रखिएगा, दिस इज इन श्रीलंका, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 2 और 3 स्टेटमेंट, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में। देखिए इस तरीके की जो क्वेश्चन आती है वो जनरली करेक्ट होती है, बट एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए क्या होती है स्टेटमेंट, क्योंकि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है इस तरीके का। वर्ल्ड फूड इंडिया इज गैदरिंग ऑल द ग्लोबल एंड, अगेन देखिए ऑल आया है, लेकिन ये देखिए समिट है, तो समिट में ऑब्वियसली यहां पर ऑल बिल्कुल आना चाहिए। तो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक स्टेक होल्डर इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर द ग्लोबल वेल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एनुअल टू अगेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है। आगे बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 17 जून को डेजर्टिफिकेशन डे मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इंडिया जो है पहली बार होस्ट करेगा COP14, इनफैक्ट ये सेप्टेम्बर में होने वाली है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो है 1994 में बनाई गई थी और ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखिए तीन चीजें सामने आई थी 1994 में, एक थी जो UNFCCC थी, दूसरी थी CBDI थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट, सॉरी कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तीसरी आई थी UN, यही CCD, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और ये लीगली बाइंडिंग थी और ये दोनों बाइंडिंग नहीं थी। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसके आगे है बॉन चैलेंज। देखिए अगेन कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि बॉन चैलेंज एक होता है और एक है बॉन कन्वेंशन। दिस बॉन कन्वेंशन इज रिलेटेड विद बर्ड कंजर्वेशन, लेकिन बॉन चैलेंज जो है वो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। आगे अगर बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा निकाली जाती है, ये निकाली जाती है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है एक ओवरऑल एक कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि RBI को भी देख रही होती है, साथ ही साथ में देख रही होती है बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया में जितने भी हैं सब कुछ, मतलब ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी रेगुलराइज्ड बाय दिस बॉडी, ठीक है, जिसके चेयरमैन PM नहीं होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इट इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ RBI एंड इट्स मैंडेटेड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और लास्टली अगर आप देखेंगे तो सबके सब लोग इसमें मेंबर होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ये प्रधानमंत्री को मतलब एडवाइस देने के लिए होता है, एंड दे आर ओनली रिकमेंडेटरी, और इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री केवल और केवल अपने
काम के लिए इनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनके मन की मर्जी के ऊपर है इनकी बातों को मानना या नहीं मानना। ये नॉन स्टैट्यूटरी होती है इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये केवल और केवल समझ लीजिए कि ऐसे ही बॉडी होती है, ना तो स्टैट्यूटरी होती है, ना तो परमानेंट है, ना तो इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद से द प्राइम एंड सोल एम ऑफ टू एनालाइज ऑल क्रिटिकल इश्यूज, जितनी भी चीजें हैं प्राइम मिनिस्टर जो भी पूछेंगे उनके द्वारा बता दिया जाएगा, स्टेटमेंट नंबर टू करेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है स्टेट्स को। देखिए डॉवर स्टेट अगर आप बात करेंगे कहां पर है, यह है ब्रिटेन, यूके। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहां पर है, यह है आपका अफ्रीका और यूरोप के बीच में, स्पेन के पास में पड़ता है, तो ये अगेन स्पेन और पुर्तगाल भी बोल सकते हैं आप। स्टेट ऑफ मलक्का कहां पड़ेगा, अंडमान निकोबार के पास में पड़ेगा, यहां पर से स्टेट ऑफ मलक्का आप समझ सकते हैं। और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस कहां पर है, स्टेट ऑफ हॉर्मस पड़ती है अरेबियन पेनिनसुला में। अब आप देख लीजिए कहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर सबसे पहले सबसे ऊपर डॉवर है तो फिर उसके बाद से स्पेन वाला आ जाएगा, मतलब कि जिब्राल्टर आ जाएगा, इसे दिस इज जी, फिर उसके बाद से कौन आ जाएगा, इसके बाद से आ जाएगी हॉर्मस और फिर आ जाएगा मलक्का, तो इस वजह से स्टेटमेंट नंबर ये रॉन्ग हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, वनुआटू सबसे नीचे है, फिर सोलोमन है, फिर साउथ टोम है, फिर उसके बाद से कॉमोरोस है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ लगाना है। अगेन ये लगी हुई है कैसी, साउथ टू नॉर्थ लगी हुई, अगेन ये रॉन्ग हो जाएगी, फिर भी ये करेक्ट हो जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ में आ गया। चले खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, दो और पार्ट में देख लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।